हाय फ्रेंड्स, मैं निक्की आप लोगों का स्वागत करती हूँ इस ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल में, जहाँ आप सीखते हैं अकाउंट्स विथ टैली। फ्रेंड्स, आज मैं आपको टैली के बेसिक के बारे में बताने जा रही हूँ। टैली में तीन लेवल होते हैं, एक बेसिक लेवल, दूसरा इंटरमीडिएट लेवल और तीसरा एडवांस लेवल। तो बेसिक लेवल में अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं हम, और इंटरमीडिएट लेवल में हम बिजनेस से संबंधित मैनेजिंग को देखते हैं, और एडवांस लेवल में ये जो अकाउंट्स में हुए वर्क और बिजनेस में हुए वर्क दोनों को हम एडवांस लेवल में मैनेज करते हैं। आइए हम देखें एक बेसिक लेवल क्या है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को यूज करना तथा बेसिक लेवल पर वर्क करने पे पता चलेगा कि टैली सॉफ्टवेयर में वर्क करना आसान है या नहीं है। तो जब भी हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज टैली में करते हैं, तो ये जो टैली सॉफ्टवेयर है ना, वो अकाउंटिंग का वर्क बड़ा ही इजीली करता है। और जब हम अकाउंटिंग का वर्क टैली में करते हैं तो हमें कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होती है। दूसरा है इंटरमीडिएट लेवल। इस लेवल में वे सारे अकाउंट के वर्क आ जाते हैं जो कि एक अकाउंटेंट के तौर पे हमेशा किया जा सकता है या किया जा सके, और जिस तरह से किसी भी बिजनेस का अकाउंट मैनेज करना होता है तो हम इंटरमीडिएट लेवल में आसानी से मैनेज कर सकते हैं। तीसरा है मैनेजर लेवल पर वर्क करना। अगर कोई मैनेजर है या सुपरवाइजर है या फिर कंपनी का कोई एम्प्लॉय है, सीए है, कस्टमर है, वो सब एडवांस लेवल पे वर्क जो करते हैं, और उन लोगों के लिए ये एडवांस लेवल होता है जिसको बिजनेस में पूरा सुपरवाइज करना होता है और बिजनेस के वर्क को सही ढंग से मैनेज करना होता है, तो वो मैनेजर लेवल का वर्क एडवांस लेवल में आसानी से कर सकते हैं। तो आपने सीखा बेसिक लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और एडवांस लेवल, और इन तीनों का वर्क टैली ERP 9 में आसानी से होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, और आप हमारी DVD परचेज करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.iptindia.com पर लॉगिन कर सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।